The first day of Lakme Fashion Week brought to the table an eclectic mix of paparazzi culture and a unification of Umrao Jaan and Lady Gaga. Let's take a look at first day's showstoppers. फिर शुरू हुआ फैशन वीक। फैशन वीक के पहले दिन बॉलीवुड से सिर्फ सोनल चौहान ही रैंप पर चली। रीना ढाका के शो की शो स्टॉपर थी सोनल चौहान। उन्होंने सिल्वर और गोल्डन कोर्सेट के साथ लॉन्ग फ्लोई स्कर्ट पहन रखी थी। इस साल सबसे पहला शो हुआ जेनेक्स डिजाइनर्स के नाम। जेनेक्स के शो में इस बार कुछ 8 डिजाइनरों ने हिस्सा लिया, जहां अलग अलग थीम्स पे क्लोथ्स को शोकेस किया गया। वहीं दूसरा शो रहा फेमस डिजाइनर अर्चना कोचर का, जिनकी थीम थी मॉडर्न स्पिरिचुअलिज्म। अर्चना के शो में मिस इंडिया अंकिता शोरे ने रैंप वॉक किया। तो वहीं भाग्यश्री, आयशा टाकिया, सेलिना जेटली, पार्वती ओमना कुट्टन, युक्ता मुखी और डायना हेडन अर्चना के शो को सपोर्ट करने पहुंची। Very amazing. I think जिस उन्होंने कलर्स को ब्लेंड किया था ड्रेसेस में, I think it's a very rare design and pure intelligence requires. जैसे मैम ने अंदर कहा कि it requires love and वो दिखाई देता है उनके कपड़ों में। Even though I'm not well at all, I was like I'm coming for your show because I have the worst throat and you know cold, but I'm like I'm going to be there to support Archana. So I'm wearing one of her outfits that's in fact from her collection that she's showing today. So yeah. और इसलिए अर्चना का ये शो रहा Miss India's के नाम, जिन्हें इन सभी ने नाम दिया खुद को मॉडर्न योगिनी का और खुद भी पहना अर्चना के डिजाइन किए गए आउटफिट्स को। तो रैंप पे ना सही, पर इन मॉडर्न योगिनियों ने तो अपना जलवा ऐसे ही बिखेर दिया लैक्मे फैशन वीक में। वहीं डिजाइनर पायल सिंघल के शो को देखने पहुंची करिश्मा कपूर, जो यहां आई अपनी नीस को देखने, जिसने शंकी पांडे की बेटी के साथ रैंप पे काफी मस्त अंदाज में वॉक किया। Daughter's really dear friend who are walking, so I'm actually come to see them. So I'm looking forward to watching them. Unification or Umrao Jaan and Lady Gaga at a dual show were presented by designers Jatin Verma and Payal Singhal. पहले दिन का आखिरी शो रहा जे जे वालिया के ब्राइडल कलेक्शन के नाम। यानी देखा जाए तो फैशन वीक की शुरुआत का पहला दिन रहा काफी ठंडा, लेकिन सिर्फ फिल्मी सितारों के मामले में। श्रुति डिडवानिया के साथ अभिलाषा सिंह, मुंबई, E24। फैशन वीक में बात होगी उन हसीनाओं की जो कमबैक को लेकर काफी किच किच कर रही हैं। एक कहती है कि उन्हें कमबैक नहीं करना, तो दूसरी कहती है कि वो तो कमबैक के लिए बेचैन है। मुंबई से श्रुति और अभिलाषा की रिपोर्ट। फैशन वीक में छोटे बच्चे भी रैंप पर नजर आए, तो वो हसीनाएं भी नजर आए जिन्होंने बॉलीवुड से विदाई ले ली है। पायल सिंघल ने अपनी शो में बच्चों को रैंप पर चलाया, तो दूसरी तरफ 35 के पार हसीनाएं अपने कमबैक के प्लान्स के बारे में खुलासा करती दिखाई दी। मैं एक किसी स्टाइल स्टेटमेंट में बिलीव नहीं करती। आई थिंक इट हैज टू बी ट्रेंडी इज ओके, बट इट हैज टू बी कंफर्टेबल, इट हैज टू सूट यू। सो आई थिंक ओवर द इयर्स स्टाइल्स कीप चेंजिंग एंड आवर स्टाइल्स आल्सो कीप चेंजिंग। ट्विंकल खन्ना भी फैशन वीक देखने पहुंची थी, लेकिन जब उनसे उनके कमबैक के बारे में पूछा गया तो देखिए उन्होंने कितना दिल तोड़ देने वाला बयान दिया।
Are you walking down the ramp today? No, I don't walk down ramps. Some of my friends had their kids walking, so I came to support them. When are we going to see you on silver screen? Never. When are we going to see you on silver screen? Never. ट्विंकल खन्ना ना ही रैंप पर और ना ही फिल्मों में आने का इरादा रखती हैं। Never. वहीं जब यही सवाल करिश्मा कपूर से किया गया तो उन्होंने अपने रैंप पर कमबैक पर सस्पेंस बना दिया। फिल्मों में कमबैक के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे भी बेचैन है। श्रद्धा के साथ तो पता नहीं, लेकिन अभी मैंने हाल ही में एक फिल्म खत्म की है माई, इट्स अ हिंदी फिल्म विद आशा भोसले, सो दैट्स ड्यू टू बी रिलीज्ड इन नवंबर। कुल मिलाकर हसीनाएं कमबैक करना चाहती हैं और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर ट्विंकल अपना ये कठोर फैसला बदल दे। श्रुति डिडवानिया के साथ अभिलाषा सिंह, मुंबई, E24।